मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी काजिम अंसारी के निशानदेही पर अब बिहार पुलिस ने तीन और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि घटनास्थल से पुलिस ने देशी शराब के 38 खाली पाउच भी बरामद किए हैं। सभी खाली पाउच को फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा जा रहा है और जगुनाथ रेड्डी ने जानकारी दी कि जाँच के क्रम में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है सितारे उर्फ छेदी, छोटे लहेरी और मोहम्मद आजाद। ये तीनों काजिम अंसारी के साथ घटना को अंजाम देने में शामिल थे। गिरफ्तार अभियुक्त सितारे उर्फ छेदी ने मृतक से 20,000 रुपए सूद पर लिया था और इसके एवज में मृतक ने एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल और कागज रखे हुए थे। कांड में शामिल छोटे लहरी 6,000 रुपए सूद पर लिए थे। इसके एवज में मृतक जमीन का कागज अपने पास उन्होंने रखा हुआ था, यानी कि जीतन सहनी के पास ये कागजात थे और मोहम्मद आजाद इस कांड में इन लोगों के सहयोगी के रूप में सम्मिलित थे। वहीं एसएसपी ने जानकारी दी कि घटनास्थल पर जो सीजर लिस्ट बना था उसमें एक संदूक था और उसमें से 23 कागज बरामद हुए हैं, जिसमें से 2 जमीन के कागज बताए जा रहे हैं, बाकी सूद के कारोबार से जुड़े हुए दस्तावेज थे। हम प्रथम दृष्टया शराब का सेवन मानते हुए टेस्ट के लिए FSL को भी भेज रहे हैं जो नमूने हैं, ताकि कंफर्म हो सके कि खाली पाउच के अंदर शराब था या फिर पानी था। वहीं एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने यह भी कहा कि काजिम अंसारी के द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक इन्हीं चारों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और मर्डर वेपन खोजने का काम अभी भी चल रहा है और हम लोग इस कांड के मुख्य अभियुक्त काजिम अंसारी को रिमांड पर लेने के लिए आज हमने रिक्वेस्ट किया है, ताकि इस कांड से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो मिल सके, हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद कर सके। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से कर दी थी और मंगलवार की सुबह उनका शत विक्षत शव दरभंगा के सुपौल बाजार स्थित उनके घर पर ही बरामद किया गया था। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया है कि यह हत्याकांड पैसों को सूद पर देने को लेकर हुआ है और पुलिस ने मुख्य आरोपी काजिम को गिरफ्तार कर लिया था और उसके निशानदेही पर तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने और क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। हम लोग टेस्ट करने के लिए भेजे गए थे सर को, तो टेस्ट में जो आया उसके बाद हम सर गांव हम लोग गए थे, काफी लोगों ने ये बातें कही कि वहां पे शराब की अवैध बिक्री होती थी। ये अनुसंधान का जो आप बता रहे हैं बिंदु है, हम लोग इस पे भी जांच कर रहे हैं। सर और कोई वांटेड है सर किसी की और गिरफ्तारी से? अभी तक कितना गिरफ्तारी है, अगर फिर अनुसंधान में कुछ अग्रतर में कुछ आता है तो कंप्लीट दीजिए। सर वो खाली पाउच जो मिला है उस पे रैपर पे क्या लिखा है, सादा है या कुछ लिखा है? वो सादा है। देसी है या फिर विदेशी शराब का? ये तो जो FSL से आने के बाद पता चलेगा। क्या सर इसका भी मूल्यांकन चाहिए, कितना रुपया उनका सूद प्याज का ये बिजनेस में लगा हुआ था सर, इसका भी कोई किया गया है? पूरा टोटल लिस्ट नहीं किया गया, बट उसमें 23 का है, 23 कागज का अलग अलग है, अलग अलग रेट। अभी तो हम इसी ने बताया, मोहम्मद सितारे का जो बाइक उन्होंने रखा सूद लिया था, उसके बाइक रखा था, उनका कागज मतलब का कागज रखे थे। छोटे लहरी का 6,000 सूद लिए थे, उनके और उसमें जमीन के कागज रखे हुए थे। जो कारी अंसारी काजिम अंसारी का तो कागज रखे हुए थे जमीन का। मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल आया है उसमें कोई जिक्र नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।